श्री नाथद्वारा। दक्षिणी राजस्थान में अरावली की सुरम्य पत्रिकाओं के मध्य विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर से उत्तर में 45 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। श्री नाथद्वारा पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ नंद नंदन आनंद कन श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है, जो करोड़ों वैष्णवों की आस्था का प्रमुख स्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से लाखों वैष्णव श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के प्रमुख उत्सवों का आनंद उठा भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। श्री कृष्ण नगरी नाथद्वारा में यह त्योहार अत्यंत विशिष्ट तरीके से मनाए जाने के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस उत्सव का आनंद लेने देश भर से हजारों भक्तगण यहाँ आते हैं। शाम 6 बजे एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। इस शोभा यात्रा में श्रीनाथ बैंड, श्रीनाथ जी की फौज, गोविंद पलटन की परेड, प्रभु की विभिन्न झांकियां, सुखपाल विशेष दर्शनीय होती है। शोभा यात्रा में वैष्णव जन की भजन मंडली नृत्य करती हुई भजन गाकर नगर को भक्तिमयी बना देती है। इस अवसर पर पूरे नगर में मेले सा माहौल रहता है और भक्तों का भारी हुजूम इस पर्व में शामिल होकर आनंदित होने के लिए गोलों को उसी परंपरा और विधि विधान से दागा जाता है जैसा वर्षों पूर्व दागा जाता था। इन तोपों की भारी गड़गड़ाहट से सारा नाथद्वारा गुंजायमान हो उठता है। वर्षों से यहाँ इसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है।
स्वर्ग की प्रधान पीठ होने के कारण पूरे देश के मुकाबले श्री जी की नगरी का दीपावली त्योहार अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है। दीपावली से कई दिन पूर्व नगर में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। नगर के नाथवास स्थित प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला में गौमाताओं को स्नान करा, रूप चतुर्दशी के अवसर पर गौमाताओं के शरीर पर मेहंदी, पग में कुंगरू, गले में घंटी, माथे पर मोर पंख की पट्टियों से तैयार किया जाता है। नंदवंश की गाय जिसे श्रीनाथ जी की गाय भी कहा जाता है का भी विशेष श्रृंगार किया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर के समीप गायों के रहने के लिए स्थान बनाया जाता है, जहां दीपावली के दिन राजभोग के दर्शन के दौरान गौमाताओं को लाया जाता है। कुछ देर गौमाताओं को विश्राम करा, दोपहर लगभग 4 बजे नगर के मुख्य मार्ग चौपाटी मंदिर मार्ग नक्कारखाने के बाहर
ब्रजवासी ग्वाल वालों द्वारा गौ क्रीड़ा की जाती है, जिसे बाहर से आए वैष्णवों सहित संपूर्ण नगरवासी द्वारा इसका आनंद लिया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व अन्नकूट लूटने की विशेष पहचान प्रभु श्रीनाथ जी का यह नगर बनाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में वैष्णव और अन्नकूट लूटने के लिए आदिवासी सुबह से ही आ जाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन दोपहर 3 बजे से गौ क्रीड़ा का आयोजन शुरू हो जाता है। गौ क्रीड़ा के पश्चात नंदवंशी गौ माता सहित कई गायें गोवर्धन पूजा चौक में लाई जाती है, जहां गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है। गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना के बाद नंदवंशी गौ माता द्वारा गोवर्धन रौंदा जाता है। गोवर्धन पूजा के तुरंत बाद गोविंद चौक में ग्वाल वालों द्वारा गौ क्रीड़ा कराई जाती है। उसके पश्चात सभी गौ माताओं को फिर से नाथुवास गौशाला लाया जाता है।
आदिवासियों के घर दीपावली से पूर्व मंदिर द्वारा अन्नकूट लूटने आने का निमंत्रण पहुंचाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी के सम्मुख डोल तिवारी में चावल का पहाड़ बनाया जाता है। हजारों की तादाद में आए आदिवासियों द्वारा अन्नकूट लूटा जाता है। इस भव्य परंपरा को देखने मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है और इस अलौकिक माहौल की गवाह बनती है। दीपावली के 8 दिन बाद होने वाला पर्व गोपाष्टमी भी वैष्णव नगरी नाथद्वारा में भव्य रूप से मनाया जाता है। नाथवास स्थित गौशाला में पूरे दिन पर नानाविध अनुष्ठान किए जाते हैं। गौशाला के बड़े ग्वाल के सानिध्य में ग्वाल बालों की मंडली गौ माताओं को मोर पंख से बने टिपारे के साज, मेहंदी, रंग बिरंगे विविध फोंदों से सजाते हैं। पहाड़ों और बिजारों की सिंदूर और तेल से मालिश की जाती है। पूरे परिसर में गोमाताओं और ग्वाल बाल के चित्र उकेरे जाते हैं। नंदवंश की गाय की विशेष पूजा की जाती है। भक्तजन इनका दर्शन करते हुए इनके नीचे से निकलते हैं। गायों को दलिया, गुड़ खिलाने को चीर बना हुआ है। गोमाताएं अपने कक्षों से दौड़ती हुई चीर के पास पहुंचती है। उस समय उनके गले में बंधी हुई तांबे पीतल की घंटियां और टोकरों में बजती हुई सुमधुर स्वर लहरियां सारे वातावरण को संगीतमय बना देती है। भक्तजनों की अपार भीड़ से गौशाला की सभी छतें भर जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मां से आज्ञा लेकर पहली बार वन में गायें चराई थी। श्रीनाथ जी मंदिर में 40 दिन तक वसंतोत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी से ही श्री जी मंदिर में गुलाल अबीर उड़ाना शुरू हो जाता है। श्री जी का दरबार ही ऐसा है जहां आज भी पूरे 40 दिन तक होली खेली जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर में ब्रजवासी सखाओं द्वारा रसिया गान किया जाता है। इसमें ठाकुर जी से सखा भाव रखते हुए रसिया गाया जाता है। होली से 1 माह पूर्व माघ माह की पूर्णिमा के दिन होली मंगरा नामक स्थान पर डंडा रोपण किया जाता है। कांटों को लगभग 25 से 30 फीट ऊंचाई तक जमाया जाता है। Yeah.
फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में मंदिर से मशालची, पुरोहित, ब्रिजवासीगण होली मंगरा पहुंचते हैं। पुरोहित द्वारा विधि विधान से परंपरा अनुसार होली का पूजन के बाद मशालची द्वारा होलिका की परिक्रमा कर होलिका दहन किया जाता है, जिसे देखने के लिए विशाल जनसमूह उमड़ता है और मेले सा माहौल रच जाता है। होलिका की लपटों से दूर दूर तक रोशनी फैल जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की होली दहन होने के बाद ही पूरे नगर में विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन किया जाता है। होली के दूसरे दिन दुलंडी का त्योहार विशेष अंदाज में मनाया जाता है, जिसे मनाने बाहर से भी वैष्णवजन नाथद्वारा पहुंचते हैं। होलिका दहन के बाद से ही लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो परिचित हो या अनजान, सभी का वादन गालियां देकर करते हैं और कोई भी बुरा नहीं मानता। एक और खास बात यह है, यहाँ की होली में सिर्फ सूखे रंगों का ही प्रयोग होता है। सभी आनंद से, प्रेम भाव से होली खेलते हैं। दुलंडी के दिन श्रीनाथ जी की नगरी में बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा है। यह परंपरा औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और नाथद्वारा पहुंचा। जब उसने वहां मंदिर तोड़ने का प्रयास किया तो सफल नहीं हो सका। मंदिर के दरवाजे पर वह चढ़वत हो गया। उसके बाद उसने प्रभु श्रीनाथ जी को एक हीरा भेंट किया। मान्यता है कि प्रभु श्रीनाथ जी के सम्मान में बादशाह ने अपनी दाढ़ी से मंदिर में सूरजपोल की सीढ़ियां गुहारी। इसी परंपरा के निर्वहन के लिए दुलंडी पर बादशाह सवारी निकाली जाती है और बादशाह का स्वांग रचने वाला व्यक्ति दाढ़ी से मंदिर की सीढ़ियां बुहारता है। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर नाथद्वारा नगरी में भी धूमधाम से चार दिन तक मनाया जाता है। प्रथम तीन दिन श्रीजी मंदिर के गोवर्धन पूजा चौक से सवारी निकाली जाती है, जो गणगौर घाट पहुंचती है। सवारी में मंदिर बैंड, गोविंद पलटन, सुखपाल, अश्व सवार, कच्ची घोड़ी नृत्य करते कलाकारों के साथ ही नगरवासी
जिस दिन जिस रंग की गणगौर हो उसी रंग की पोशाक पहनकर शामिल होते हैं। चौथे दिन का मेला मोती महल के प्रांगण में लगता है। सवारी देखने के लिए रास्ते खचाखच भरे रहते हैं और शहरवासियों द्वारा ईसर पार्वती की पूजा की जाती है।